ये तालियां। ये तो सर कैसे लगा आपको केदारकांटा ट्रैक में आके, और क्या मतलब अच्छा रहा क्या बुरा रहा, क्या चेंज होना चाहिए, कुछ आगे के लिए चेंजेस करने हैं कुछ बहुत बन जाएगा जो भी है, तो थोड़ा आप डिटेल ही बता दो कैसा फर्स्ट दिन से लेकर आज तक जो भी रहा, थोड़ा हल्के से फीडबैक टाइप कुछ। फर्स्टली तो मेरे को एक्सपेक्टेड नहीं था, मेरे को तो ये था कि मेरा तो ट्रैवल शुरू हुआ तो अब टेंट ही टेंट होना है हर जगह। बट जो हमारा फर्स्ट डे ये वाला था वो मेरा बेस्ट डे था कि हाँ यार हमें ये चीज़ मिली। बट उसके बाद पता था स्लीपिंग बैग्स और ये सारी चीज़ें होंगी तो मैनेज हो जाएगा सब। बट ऐसे इतने ऐसे ट्रैक्स किए नहीं है तो ये मेरा आज तक का बेस्ट ट्रैवल रहा है। एंड आई लव द कंपनी और जो भी ये इन लोगों ने कोऑपरेशन हमारे साथ किया, जैसे इन्होंने कोऑर्डिनेट किया एक दूसरे के साथ हम लोग को वहाँ पहुँचाने का और पूरी टीम वापस लाने का, वो बहुत अच्छी चीज़ है। धीरे धीरे बाकी तो अब इस्टेब्लिश होगी ये कंपनी अच्छे से। अब सर्टिफिकेट तो ले लो अब। रंजन भैया ने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल करी आज। इरशाद भाई फिर आपको कुछ ट्रैक एक्सपीरियंस बताइए, क्या रहा केदारकांटा में, कैसा कुछ फीडबैक और कुछ जो कमी पेशी है कुछ मतलब चेंजेस। कमी पेशी तो मैं मतलब क्या ही कहूँ, सब चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा है ना। यहाँ पर मतलब खाना सबसे अच्छी बात है, कोई भी कहीं पर दूसरे जाता है तो वरी करते हैं यार कि हम पहाड़ में आएंगे हम क्या खाएंगे, नॉनवेज नहीं है वेज नहीं है या फिर प्रॉपर चीज़ नहीं है, तो खाने की कोई भी दिक्कत नहीं हुई है ना। जितने बार भी मतलब खाना बना मैं तो डबल डबल लिया मैंने, मतलब हम पूरी टीम ने अच्छे से खाया। दूसरी चीज़ है मतलब एटीट्यूड, जैसे स्टाफ का एटीट्यूड होता है हर चीज़ है ना, बिहेवियर सब चीज़ अच्छा था, गाइड भी अच्छे से करा हमें सब चीज़ का। और ये जगह तो क्या ही कहूँ भाई, सोने में जो मजा आया यहाँ पर, मतलब बहुत ही अच्छा वाइब था यहाँ पर। और मतलब वातावरण भी यहाँ पर इतना अच्छा जगह है कि मतलब यहाँ पर कोई भी अगर एक बार भी आएगा ना उसे बिल्कुल मन नहीं करेगा मतलब वापस आएगा, कि भाई रहने का मन करेगा कि भाई रहो और एक्सप्लोर करना यहाँ पर। तो हमने मतलब बहुत ही कम एक्सप्लोर करा, बट ये कि आने वाले टाइम पर जब भी आते हैं तो देखेंगे और करेंगे। बाकी ऊपर टेंट वगैरह स्लीपिंग बैग कैसे लगे आपको? बहुत सही था, बहुत सही था, मतलब ए टू जेड सब चीज़ में। अगर फाइव स्टार का बात हो तो फाइव स्टार दूंगा। चलो सर्टिफिकेट, ये सर्टिफिकेट मिल गया लौंडे को। अपने घर वाली भाई लोग पहाड़ी भाई लोग मजा आ गया, मतलब हर चीज मैनेजेबल सब कुछ। बाकी मैंने ट्रैक बहुत सारे किए बट अभी तक का सबसे बेस्ट ट्रैक यही था, मैनेज प्लस जगह प्लस लोग। साथ वालों को भी दिखा दो टिंकू एक बार यार, बिल्कुल कितने बढ़िया लोग हैं। तो इनसे मुलाकात दोबारा होगी और आपके पास तो मैं दोबारा आने वाला हूँ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद लेकिन इसके लिए। ओके सर, वेलकम। बैठे नाम बता के फिर थोड़ा वो करते कि मेरा नाम है। और मेरा नाम है शिशिर और ये ट्रिप ऑन हिमालय का ये ग्रुप है जो बहुत अच्छा है, लेकिन आई नेवर एक्सपेक्टेड दिस काइंड ऑफ हॉस्पिटैलिटी फ्रॉम दिस गाइज। सो दिस द माउंटेन व्यू, द ब्लेज एंड द साउंड ऑफ द रिवर बिहाइंड द कॉटेजेस is an extreme and wonderful experience that everyone should have in their life. So I recommend these people, the way they have treated the people, the way they serve you, the way they respond to you, whatever the needs you need in while you stay here, while you go from here to trek, and when you finish the trek, everything from A to Z they will provide, with guidance, with medical facility and with food and whatever the requirements that one should need. Because I am a beginner, so I was little bit doubtful when I was starting this trek, but these guys gave me the confidence to finish the trek, and whenever I felt low these guys motivated me and they provided whatever the tips that we need to finish the trek whenever we are feeling some breathing problems or whatever. So to control the blaze they have provided how to climb, how to put the steps, each and everything. I cannot say small things, but each and everything from A to Z. I recommend this trip on Himalaya people. This is very good place, and the place, the kind of place they have chosen here, it is surrounded by the mountains. So that is the best thing I have loved here. So I recommend you this people, have a good trek when you come here. Thank you. Hi guys, मैं हूँ विनय, हैदराबाद से हूँ।
मैंने ट्रिप ऑन हिमालयाज के साथ अपना केदारकंठा ट्रिप कंप्लीट किया है। ये ट्रैक इतना बढ़िया था और ये लोग जो ट्रैक लीडर्स थे, यहाँ के हॉस्पिटैलिटी दिखाया, सब कुछ बहुत बढ़िया था। इनका टाइम टू टाइम फूड रहता था, जो मतलब इट इज़ इनका करेक्ट टाइमिंग रहता था, इतना टाइम खा के इतना टाइम में सो जाओ और कल इतना टाइम में स्टार्ट हो जाओ। इन्होंने ये टाइमिंग इतना अच्छा मेंटेन किया है कि ट्रैक भी आसानी से कंप्लीट हो। ज़्यादा मुश्किल चैलेंजेस ऑब्वियसली ट्रैकिंग में होते हैं, लेकिन इन्होंने अपने गाइडेंस से वो चैलेंजेस आसान किए हैं। इन्होंने हमें हर स्टेप पे गाइड किया है कि कैसा ये तकनीक होती है चढ़ने की, ऐसा करना होता है, तो ये सब इन्होंने हमें बताया और हमारा ट्रैक आसान किया। चैलेंजिंग तो था, लेकिन इतना मज़ा आया। इट इज़ अ वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। सो आई रिकमेंड एवरी वन हु इज़ वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ कमेंट डू योर ट्रैक विथ ट्रिप हिमालयस, ट्रिप ऑन हिमालयस। एंड इनके पास अच्छे मेडिकल फैसिलिटीज़ है और बैकअप प्लान्स भी है, अगर कुछ हो जाता है तो इनके पास हर चीज़ का बैकअप प्लान होता है। तो यू डोंट नीड टू वरी व्हेन यू आर हियर, यू आर इन सेफ हैंड्स। एंड दिस स्टे वेयर वी आर इन, इट इज़ इन सच अ ब्यूटिफुल लोकेशन। इसी इस जगह पे आप मतलब जन्नत पा सकते हो, मतलब बहुत बढ़िया जगह है। ये लौंडा खुश हो गया, बोला लौंडा खुश हो गया। थैंक यू। हाय गाइस, माय नेम इज़ महेश, आई एम फ्रॉम हैदराबाद। जैसा उत्तराखंड में मेरा फिफ्थ ट्रैक है, बट आई हैव टू से दिस इज़ द बेस्ट स्टे, बेस्ट ट्रैक आई हैव एवर बीन टू। मतलब ट्रिप ऑन हिमालयस का लोकेशन से लेके फूड, हॉस्पिटैलिटी और मेडिकल सर्विसेज, गाइडेंस, पूरा मैं जिस जिस का नाम लो पूरा एकदम बढ़िया है। अगर आपको किसी को आना चाहिए और रहना चाहिए और एक्सप्लोर करना चाहिए तो दिस इज़ द बेस्ट प्लेस यू कैन हैव। और यहाँ का बहुत अच्छा एक जो मुझे बहुत अच्छा लगा वो था खाना, टाइमिंग, टेस्ट और क्वांटिटी। और इन लोगों का मेडिकल सर्विसेज, इन लोगों का जो आपको ना जब आप नहीं चढ़ पाते उसको ना आप मोटिवेशन देने में और आपके साथ रहने में, आपको पूरा नेचर को दिखाने में पूरा ये लोग ना बहुत बढ़िया सा हेल्प किया। आई विल डेफिनेटली रिकमेंड दिस प्लेस। थैंक यू। अब हमारे गुजराती भाई जी। मेरा नाम मयूर है, मैं गुजरात बड़ौदा से बिलोंग करता हूँ। ये मेरा फर्स्ट ट्रैक था, मैं ट्रैकिंग में बिगनर हूँ इस टाइप के स्नो ट्रैकिंग में। तो जनरली मैं ट्रिप ऑन हिमालय की बात करूँ तो वो लोगों का हॉस्पिटैलिटी, जैसे दूसरे मेरे फ्रेंड्स ने बताया कि फूड्स और टाइमिंग और ये सब एकदम बढ़िया था। और वन मोर थिंग आई लाइक कि वो आप जब आप पीछे, मतलब बहुत सारे ग्रुप होते हैं, जैसे हम दो लोग थे, मोस्टली पीछे रह जाते थे, तो आपको अकेला ना छोड़ के उसके गाइड है, वो आपके पीछे साथ साथ में चलते हैं ताकि आपको कोई ट्रैकिंग में परेशानी हो तो वो आपकी हेल्प कर सके, आपको मोटिवेट कर सके। और खाने की बात करें तो एकदम घर जैसा टेस्टी, टेस्टफुल खाना था। जनरली हम बाहर आते हैं तो यही होता है कि खाना अच्छा हो तो आप सब कुछ कर सकते हो, तो यहाँ का जो खाना और टेस्ट था वो एकदम बढ़िया था, जिसकी वजह से ये ट्रैक आसानी से कम्प्लीट हो पाया। तो आई डेफिनेटली रिकमेंड टू गो विथ ट्रिप ऑन हिमालय। थैंक यू। हाय गाइस, मेरा नाम दिव्येश है, मैं गुजरात से हूँ और ये मेरे सब साथी ने तो आपको ऑलरेडी बता ही दिया है सब कुछ। मैं शुरू करना चाहूँगा, आप देहरादून से ये लोग सर्विस देते हैं आपको, क्योंकि ये थोड़ा सा रिमोट लोकेशन है तो यहाँ इजीली आप पहुँच नहीं सकते। तो अपने जो भाई लोग हैं ट्रिप ऑन हिमालयस, वो आपको इजीली फैसिलिटी दे देते हैं देहरादून से पिकअप से लेकर ड्रॉप तक। बाद में खाने की बात करें तो वो तो इन लोगों ने बहुत ही तारीफ कर दी है तो मेरे को बोलने की ज़रूरत है नहीं। एडिशनल में बताऊँ तो अपने पास ऐसे गियर्स वगैरह होते नहीं है, पहले इजीली रेंट पर अवेलेबल दे देते हैं, और जो भी ज़रूरत हो, हेड टॉर्च है, जैकेट है, वो बहुत बढ़िया था, क्योंकि वो सबसे बड़ी दिक्कत है यहाँ, इतनी ठंड मैंने कभी नहीं महसूस की है, तो डेफिनेटली अच्छा रहा हो। बाद में हमारे राणा भाई है, मैं और मेरा दोस्त जो मयूर था वो सबसे लास्ट में रहते थे, वो कल शाम को भी 6:30 बजे तक वो हमारे साथ में थे। हालांकि वो इतना धीरे चलने की उनकी आदत नहीं है, बट हम जैसे टटोइड्स के लिए वो एक अच्छे बंदे हैं।
अच्छा राणा जी से भी पूछ रहे थे टीम कैसे लगी हमारी। हाँ बढ़िया लगी मेरे को, पहला ग्रुप है ये हमारा जो जिनको मतलब इतनी आज़ादी दी मैंने। मैं तो क्या ट्रैकिंग में रूल्स फॉलो सबसे मैंने तो रूल्स फॉलो करने पड़ते और मतलब टाइमिंग का हर चीज़ का मतलब करना पड़ता है। आपको मैंने इतना फ्री रखा कि हर टाइम में जो मतलब हर चीज में आपको टाइमिंग दिया और पूरा वैसे बोलते हैं पूरी टीम हमारी अच्छी थी, बहुत बढ़िया लगा मेरे को भी पूरी टीम के साथ। राणा भाई शुरुआत में ऐसे बोलते रहते हैं कि भाई जल्दी चलो, फिर थोड़ा सा होता है कोई नहीं धीरे चलो अपन को कहाँ जल्दी है ऐसा करके बोलते थे। और उसके बाद सबसे ज्यादा अच्छी चीज लगी वो हर जगह पर हम जाते हैं तो दिन के शुरुआत से शाम तक आप सिर्फ चलते ही रहते हो। यहाँ पर क्या था सुबह से लेकर दोपहर तक आपको चलना है, बाद में जैसे हम कहीं पर भी ट्रिप पर जाते हैं तो एंजॉय करते हैं आजू बाजू के नज़ारे को देखने के लिए, तो वो ये लोग आधे दिन आपको देते हैं तो वो सबसे अच्छी चीज़ लगी मेरे को। बाकी ऑल गुड, आप डेफिनेटली यहाँ आ सकते हैं। आपको भी तो बता बाकी ओनर साहब बताएंगे कि इनके यहाँ जो दानव आए थे वो कैसे थे। चलो आप बताओ। जी मैं तो बोल रहा हूँ कि काफ़ी टाइम से मैं इस लाइन में हूँ पर ऐसा ग्रुप मतलब बहुत कम मिलता है, साल में दो से तीन चार ग्रुप आते हैं ऐसे। बाकी वो ये कि सारे वही आते हैं कि अपना आए गए खाया पिए और सीधे निकले, ऐसे ग्रुप बहुत कम आते हैं मतलब। तो बहुत अच्छी टीम थी तो यही थी फीडबैक हमारी तरफ से है ना। एंड आप अगर आना चाहेंगे तो आप इसे चेक कर सकते हैं। कोई भी आपके फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसे है जिन्हें ये किताकंद का ट्रिप करें, कोई सा भी ट्रिप यहाँ पर करना होगा तो ये जो टीम है यहाँ की ये सारे ट्रैक्स कराते हैं, सारे एडवेंचर्स भी कराते हैं। तो ये व्लॉग को जो है शेयर करना है ना, ताकि जिनको नहीं पता इस ट्रिप पर हिमालय के बारे में उन तक पहुँचे एंड उनको भी फैसिलिटीज़ वैसे मिले जैसे हमने इंजॉय करा और जो हमने सब चीज़ को हम जो हमको जो भी मिला और जो भी हमने इंजॉय करा वो आप भी यहाँ पर आके एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है तो फाइनली हम लोग ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ऊपर जाके एक ग्रुप फोटो लेंगे हम सबके साथ। यहाँ पर भी ले चुके हैं बट जो विदाई वाली फोटो होती है अब ऊपर जाके लेंगे हम, आपको ऊपर से भी नज़ारा दिखाएंगे। अब यहाँ पीछे का व्यू देखो यार, एकदम पीछे पूरा खाई है, रिवर है बिल्कुल नीचे। और ये सुंदर ट्रैक ऊपर की तरफ भी है स्टेयर्स के साथ। अब दोबारा कहीं निकल चुके हैं कुंग-फू पांडा की तरह, ये साली सीढ़ियां एक तो टांग दिया आज भी निकल रहे हम कहीं। ये व्यू चेक कर यार यहाँ से, एकदम शानदार व्यू। चलो पहुँच गए हम ऊपर। ये गाड़ी की ट्रांसपोर्ट की सुविधा भी है ये ट्रिप में पूरा, जो ये ट्रिकॉन हिमालयस कंपनी है तो आपको लगेज लगेज ये ट्रैवल का कोई दिक्कत नहीं होगा। नीचे तो पानी पी के आया, ऊपर फिर से प्यास लग गई, थकावट हो गई। बाकी ये ऊपर लगेज हमारा ऊपर आ गया और अब हम निकल रहे हैं। एक पल तो अब हमें जीने दो, जीने दो। तो गाइस एक ब्रेक के लिए रुके हम, मेरे पैर दर्द हो गया, ये भाई मेरा ब्लॉक कर रहे हैं। बाकी जिस प्लेस में हम रुके हैं मैं आपको वो प्लेस है आपको दिखाता हूँ भाई, प्यार मोहब्बत रहेगा आपको इस प्लेस से। आप ये चेक करें बॉयज, एकदम मस्त यार, एकदम प्यारा ये व्यू चेक करें यार, कितना प्यारा व्यू है। हाँ व्यू में डांस कर रहा सर भाई। और ये अपनी गाड़ी, ब्रेक लिया है हमने 15-20 मिनट का और आप जब यहाँ तक देख ही रहे हो तो आप ये भी देख लो, यहाँ पर चल रहा है फोटोशूट। सोनू वेन और फोटोग्राफर यहाँ पर सब मॉडल्स पोज कर रहे हैं। ये देखो ये व्यू चेक करो यार, बहुत प्यारा।
रुके हैं अभी लंच ब्रेक के लिए और ये प्लेस का नाम तो मुझे नहीं पता क्या है, गंगनानी धारा बर्नीगढ़ के गंगनानी जगह है ये। तो बेसिकली यहाँ पर हमने वेज और नॉन वेज ऑर्डर कर रखे। नॉन वेज में गैस कर क्या है, इट्स फिश। सो विल हैव राइस, थ्री ऑफ अस विल हैव राइस एंड फिश करी, द अदर्स विल हैव वेज थाली। तो ये है वो जगह, ये है गंगनानी धारा बर्नीगढ़ नियर लखमंडल यमुनोत्री रोड। ओके, लखमंडल के सामने है। बाकी ये चेक करें आप, ये है, मैं वहाँ पर आपको आके दिखाता हूँ। यहाँ पर ये चेक करें आप यार, क्या प्यारा सा वाटरफॉल टाइप का है ना। ये बिल्कुल पहाड़ों के अंदर से पानी आ रहा है, ऊपर से आप देख सकते हैं पता नहीं कहाँ कहाँ से पानी आ रहा है। और फिर यहाँ पर इन्होंने बनाया है, तो ये इधर से पानी पी भी सकते हैं है ना, वॉश भी कर सकते हैं। तो मैंने तो इसे पहले आके पानी ही इसे पिया था है ना, थोड़ा शक्ल धुला, शक्ल के तो 12 बज रखे, शक्ल थोड़ा सा धुला और फिर उसके बाद पानी पूनी पी के अभी मैं जाता हूँ लंच करने चलेंगे अभी। अब ये भाले ने ऑर्डर कर रखा था चाउमीन और हमने ऑर्डर कर रखा है फिश, चावल और फिश करी। बाकी ये है फिश, लोकल फिश है इस विलेज का। तो लेट्स सी खाते हैं और आपको बताते कैसे लगा हमें। बाकी फिलहाल तो ये बड़ी टेस्ट लगी है, दोस्तों हम फाइनली पहुंच गए मसूरी, थोड़ा सा लेट हो गए बट पहुंच गए। और यहां से हमें अप्रोक्स लगेगा 1 आवर दून पहुंचने में। तो बाकी अभी चलते हैं और मिलते हैं आपसे घर में। मेरा लाइब्रेरी चौक, मसूरी का लाइब्रेरी चौक, इस तरफ से सीधा जाएंगे तो लेफ्ट में जाएंगे तो मॉल रोड और हम जाएंगे इधर सीधे नीचे। ये चेक करें आप दोस्तों, हम लोग रुके हैं, एक मिनट नाम देखे दो, मुझे भी चाहिए बट ट्रैकिंग पोल चाहिए अभी तो। हम रुके हैं वैभव रेस्टोरेंट एंड कैफे में, यहाँ पर ये हमारी गाड़ी ऑल द वे फ्रॉम सांकरी और हम गांव वाले लोग आ रखे हैं यहाँ पर कुछ खाएंगे पियेंगे चाय चुप पियेंगे। और यहाँ से मसूरी और देहरादून का व्यू भी आता है बट मैं आपको दिखाऊंगा नहीं क्योंकि ऑलरेडी बहुत बार दिखा चुका हूँ मैं यहाँ का। बाकी ऑर्डर करते हैं और मिलते हैं आपसे बाद जल्दी। तो फाइनली हमारा चाय आ चुका है और हम चाय पी रहे हैं। बाकी ये भाई एक मैगी खा रहे हैं, पहाड़ी मैगी यहाँ का, बॉन्डिंग मिलता नहीं बनता जनरली ऐसा होता ना कि ये चाय फिनिश करते हैं और शायद से इसके बाद हम मोमो खाने जा सकते हैं टंडन के वहाँ पर। तो लेट्स सी। दोस्तों अभी मैं हूँ मेन राजपुर में, ये दिख रहा है ये मेन राजपुर चौक है, यहाँ से ओल्ड मसूरी रोड निकलते हैं और ये ऊपर राजपुर की तरफ जाती है। और एट प्रेजेंट हमारी पूरी गैंग आ रखी है टंडन के शॉप में, यहाँ पर हम खाएंगे मोमोज। तो अभी चलते हैं और आपसे मिलते हैं दोस्तों। ये बैठे के सब लोग थके से सब लोग मोमोज खाने के आ रखे, देहरादून आए और यहाँ के मोमोज नहीं चखे, हो नहीं सकता। दोस्तों इस व्लॉग को मैं प्रोबेबली यहीं पर ही फिनिश करूँगा, अभी सब
खा ही रहे हैं। तो आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर से कर देना, और हाँ सब्सक्राइब करना ना भूलना मेरे चैनल को, और नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर लेना। बाकी हम मिलेंगे फिर से कुछ न्यू एडवेंचर में, कोई नए प्लेस में, तो टिल देन बाय, टेक केयर, स्टे सेफ। और ये है हमारी गाड़ी, सबको कर दिया है मैंने बाय, ये लोग जा रहे हैं यहाँ से और मैंने अपना सामान निकाल दिया है, इन सब को गुड बाय गुड बाय गुड बाय गुड बाय। और अब मैं चलता हूँ अपने घर, एंड्रू आ गया है मुझे पिकअप करने के लिए। चलो पहुँचते हैं, एंड्रू आ गया है मुझे पिकअप करने के लिए, तो उससे भी मिलाता हूँ आपको। और ये आ गया है एंड्रू मुझे पिकअप करने के लिए, तो फिलहाल यही है और मैं इस व्लॉग को फिनिश कर रहा हूँ यहाँ पर। अब मिलते हैं, मतलब मिलते नहीं, अब मिलते हैं दूसरे व्लॉग में। अब मैं से बंद कर रहा हूँ, बाय।